सलाम बेकी का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा। एक ऐसे माँ और बेटी की कहानी इस फिल्म में दिखाई जाएगी जो आपके दिल के साथ साथ आंखों को भी भर देगी। एक बीमार बेटे को माँ किस तरह से जिंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहती है, उसकी हर इच्छाओं को पूरे करने की कोशिश करती उसकी माँ जाने कितनी कठिनाइयों से लड़के बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती है। और स्पेशली मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा काजल मैम का, जिन्होंने इस तरह की फिल्म को किया और हमारे सामने लाई। नहीं तो आजकल के एक्शन और रोमांस के जमाने में इस तरह की फिल्म को बनाना बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ट्रेलर ने दिल को छुआ और काजल मैम की एक्टिंग ने भी। इनकी लास्ट मूवी त्रिभंगा थी जो कि 2021 में नेटफ्लिक्स पे आई थी। सलाम वेंकी वेंकटेश और उसकी माँ सुजाता की कहानी है। इस मूवी में वेंकटेश का रोल विशाल जेठवा ने निभाया है, जिन्होंने इससे पहले रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 में बहुत ही बढ़िया अभिनय किया था, और उनका इसी तरह का काम सलाम वेंकी में भी देखने को मिलेगा। जब सुजाता अपने बेटे वेंकी जो कि बीमार है उसकी सारी इच्छाएं पूरा करती है, वेंकी बीमारी के कारण धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है और साथ में उसका दर्द भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच वो अपने माँ से एक चीज और मांगता है जो उसे उसकी माँ नहीं दे सकती। दरअसल वेंकी अपनी माँ से मृत्यु मांगता है, लेकिन कोई भी माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ी होती है जो कि दिल को झकझोर देती है। सलाम वेंकी को रेवंती जी ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले बहुत सारे फिल्मों में नजर आ चुकी है। सलाम वेंकी श्रीनाथ मूर्ति के उपन्यास और समीर अरोरा के पटकथा और कहानियों पर बेस्ड है। और एक जरूरी बात, इस ट्रेलर के लास्ट में हमें आमिर खान भी दिखे जो कि वह इस फिल्म में केमियो रोल में नजर आएंगे, तो जरूर ही उनका कोई खास रोल होगा। आमिर खान ऐसे फिल्मों में बहुत ही अधिक दिखते हैं जो लोगों को दिल को छूने के साथ साथ कोई अच्छी मैसेज दे, जैसे कि 3 इडियट, तारे जमीन पे, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार और जाने कितने फिल्में हैं जिसमें आमिर खान नजर आ चुके हैं। वैसे काजल और आमिर कई सालों के बाद एक साथ नजर आने वाले हैं, इससे पहले वो फना और इस मूवी में एक साथ नजर आ चुके हैं। तो सलाम वेंकी को देखने के लिए हमें 9 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।